गवर्नमेंट से मिले पैसों को मन्नू दारू पर किस तरह खर्चा कर रहा था और चंपा ने उसे किस तरह फंसाया, ये हमने पिछली कड़ी में देखा है। चंपा अपने घर पे बैठ के कुछ सोच रही थी। उस मन्नू के साथ बहुत अच्छा हुआ, सरकार ने उसे बेचारा समझकर पैसे दिए तो उसने उनसे शराब पी लिया था ना, दोबारा शराब के बारे में सोचकर भी घबरा जाएगा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और YouTube पर वीडियोस देखने बैठी। वो अलग अलग वीडियोस देखने लगी। देखते देखते उसे मन्नू का YouTube चैनल दिखा। वो देखकर चंपा ने सोचा, अरे इसने YouTube चैनल कब शुरू की, बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी एक YouTube चैनल शुरू करके उन पैसों से मन पसंद चीजें खरीद कर खुशी खुशी रह सकती हूँ ना। हाँ ऐसा ही करती हूँ, आज ही एक YouTube चैनल शुरू कर देती हूँ। ऐसा सोचकर वो मोबाइल पे कुछ करने वाली थी, फिर रुक गई। कौन सा चैनल शुरू करूँ तो अच्छा होगा, वैसे मुझे आता भी क्या है, हाँ कुकिंग चैनल शुरू करती हूँ। मुझे जितने भी पकवान आते हैं उनका वीडियो बनाकर YouTube में डाल दूंगी। रसोई में उसने सब कुछ फिट कर लिया और कैमरे के सामने आकर बोली, हाय हेलो नमस्ते, मैं चंपा हूँ। तरह तरह के पकवानों से मन को लुभाने वाले स्वाद के साथ आज आपके सामने आई हूँ। इस तरह चंपा ने खाना पकाया और वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया और बहुत ही कम समय में उस वीडियो के बहुत सारे व्यूज हो गए। इधर चंपा के हाथों परास्त होने के बाद बेचारा मन्नू अपने घर में बैठकर अपने YouTube चैनल देख रहा था कि भाई कितने व्यूज है क्या है। इतने में उसे चंपा का YouTube चैनल दिखा। उसे देखकर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल, अरे ये चुड़ैल ने भी YouTube चैनल खोल दिया, उसका मजा तो चुकाना ही पड़ेगा, कहकर उसने किसी को फोन किया और उससे बातें की। इधर चंपा हर दिन एक वीडियो अपलोड किए जा रही थी और उसका हर वीडियो वायरल हो रहा था, पर वीडियोस के जितने व्यूज बढ़ रहे थे डिसलाइक्स भी उतने ही बढ़ रहे थे। नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और नेगेटिव रिपोर्ट्स जाने लगे। अरे ये क्या, इतने सारे डिसलाइक्स आए हैं, जितने व्यूज हैं उतने ही डिसलाइक्स भी हैं। मेरे चैनल के बारे में किसने रिपोर्ट किया होगा, मेरा वीडियो किसी को भी पसंद नहीं आया क्या, अरे मेरी बनाई सारी वीडियोस की यही हालत है, क्या हुआ होगा। उन YouTube वालों को कंप्लेंट करके इसके बारे में पता करना होगा। YouTube वालों ने थोड़ा टाइम लिया, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स चेक करके उन्होंने चंपा को बताया कि वो सारे एक ही आईपी एड्रेस से आ रहे थे और उसे आईपी एड्रेस दे दिया। वो एड्रेस लेकर चंपा वहां पहुंची। उसने देखा एक कंप्यूटर के सामने मन्नू बैठकर चंपा के वीडियोस पर डिसलाइक मार रहा था। क्यों रे मन्नू, तू ही मेरे वीडियोस पे डिसलाइक करके रिपोर्ट्स भेजता है ना। चंपा को देखकर मन्नू के होश उड़ गए। अरे चंपा तू कब आई। मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ मैंने किया तो क्या, स्वीट रिवेंज कहकर तूने रिवेंज नहीं लिया था, ये मेरा रिवेंज है, मजा आया। इतने में उसको एक मेल आया। एकदम बढ़िया है, लेकिन पहले उस मेल को खोलकर तो पढ़। हाँ देखूंगा, मैं क्या डरता हूँ। फिर उसने मेल खोल के देखा। फेक मेल एड्रेस पे से आपने चंपा का कुकिंग चैनल को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक किया जाता है। ये देख के मन्नू के होश उड़ गए। क्यों रे मन्नू, कैसा लगा मेरा वार। ये YouTube चैनल मैंने इसलिए शुरू किया था कि तेरे से और लड़ाइयाँ ना करूं, मगर तूने ही सोए हुए शेर को फिर से जगा दिया है, छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये कहकर चंपा वहां से चली गई।
मन्नू अपना सर पकड़ के बैठा रहा। डिटेक्टिव शेखर बड़ा बुद्धिमान डिटेक्टिव था। शेखर का एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम था यशवंत। क्या खो दिया? यही तो पता नहीं चल रहा है सर। कल घर आते आते मैंने अपनी बीवी के लिए एक रिंग लिया, उसके बाद मैंने बिरयानी भी पार्सल करवा ली, उसे यही खाया। खाते वक्त मैंने रिंग को टेबल पे रख दिया। रिंग को टेबल पे रख के मैं यही सो गया। सुबह उठ के देखता हूँ रिंग गायब है। तो अंगूठी खो गई? हाँ सर, लाख रुपए की अंगूठी। आखिरी बार उसे कब देखे थे? मैंने कहा तो आपसे, खाते वक्त मेरे पास ही था। फिर तो ये चोरों का ही काम है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कहकर वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और टेबल अलमारी सबको देखने लगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर फ्रिज के पास गया और उसे देखने लगा। सर, यहाँ फिंगरप्रिंट्स है। वो सब छोड़, बता तू कर क्या रहा है? चोर कहाँ से आया, क्या क्या किया, ये क्लूज निकाल रहा हूँ सर। देखिए ना, यहाँ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। जरूरत नहीं है, चल। ऐसे कैसे सर, चोर को पकड़ना है ना। चोर मिल जाए तो क्या करेगा बाबा? उसके कान के नीचे दो बजाऊंगा सर। मेरे ही घर में घुस के मेरा ही अंगूठी चुराता है। फिर अपने ही गाल पे दो थप्पड़ मार ले। मैं खुद को क्यों मारूं? चल झूठे, रात को अपना रिंग खुद ही चुरा लिया। मैंने कुछ नहीं किया। पहले मेरा फीस दे दे, 5 मिनट में तेरा रिंग तुझे दिखाता हूँ। ये लो। जाके उस डस्टबिन में देख ले, तेरा रिंग मिल जाएगा। राकेश ने जाके देखा। कैसे सर, उस डस्टबिन में रिंग है, आपको कैसे पता चला? अरे बाबा, अंदर कुंडी लगा के सोया था, अंदर आएगा कौन? और आ भी गया तो बाहर जाते वक्त अंदर से वो कुंडी कैसे लगाएगा? वो सब ठीक है सर, पर कैसे पता चला कि डस्टबिन में रिंग है? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो तुझे भी पता चल जाएगा। उसने क्या कहा, अंगूठी को पास रखे उसने खाना खाया, कूड़ा फेंकते वक्त उसने गलती से अंगूठी को भी उसमें डाल के फेंक दिया। शेखर बोल रहा था इतने में उसका फोन बजा। उसने फोन उठा के कहा, हेलो, डिटेक्टिव शेखर स्पीकिंग। सर आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा, मेरा गाड़ी चोरी हो गया है। बाइक गुम हो गया है, आता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। शेखर और यशवंत एक अपार्टमेंट के पास आ पहुंचे। आइए सर आइए। बताइए कब चोरी हुआ, लास्ट आपकी गाड़ी को आपने कब देखा था? सर कल रात हम सारे दोस्त मिलकर पास के बार में पार्टी मनाए थे, वापस आके मैंने गाड़ी को यहीं पार्क किया। सुबह उठ के देखता हूँ तो बाइक गायब। मुझे वॉचमैन पे शक है साहब। ऐसा, ठीक है यहीं रुकिए, कहकर वो वहां से चला गया। शेखर के जाते ही यशवंत ने कहा, हाँ तो अब बताओ, तुम्हारा गाड़ी सेंटर स्टैंड पे लगाया था या साइड स्टैंड पे? साइड स्टैंड पे। गाड़ी कौन सी कंपनी की थी? हीरो होंडा। हीरो होंडा कंपनी कहाँ है? शायद शहर में है। उस कंपनी का मालिक कौन है? नहीं पता। कम से कम उस ओनर की बीवी के बारे में जानते हो? मुझे कैसे पता चलेगा सर। कम से कम उसके भाई को जानते हो? नहीं पता सर। और उनके बीच और मेरे गाड़ी का खोने में क्या संबंध है? है, तुमने कहा कि गाड़ी यहाँ पार्क किया, चोर सीधा चलते हुए आया और तुम्हारा बाइक लेके यहाँ से निकल गया होगा, यानी के उसके पैर के निशान यही होंगे। कहकर उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से जमीन को देखना शुरू किया। वो जमीन की तरफ देख रहा था, उसके मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच दो टांगे दिखे। पैर के निशान नहीं सर, पैर ही दिख रहा है मुझे। कहकर मैग्नीफाइंग ग्लास से वो ऊपर की तरफ देखने लगा और उसमें शेखर दिखा। उसे देखकर यशवंत हक्का बक्का हो गया। वो शेखर की तरफ और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ देखने लगा। क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि चोर आया कैसे। मिला क्या? नहीं सर, मुझे डाउट है, ये डाकुओं का काम है। तेरा डाउट तेरे ही पास रख। सुनो रवि, तुम्हारा गाड़ी मिल गया। मिल गया? कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया? डाउट्स के जवाब चाहिए या तुझे गाड़ी चाहिए? बाइक चाहिए सर। तो मेरा फीस 1000 रुपए दो और अपना बाइक ले जाओ। ये लीजिए सर 1000 रुपए। कहाँ है मेरा बाइक? मेरे ऑफिस के पास रखा है, जाके ले आओ। रवि वहाँ से चला गया। उसके जाते ही यशवंत शेखर के पास आकर बोला, सर आप तो 30 मार का हो, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया, बाइक कहाँ है? उसने क्या कहा, कल रात बार गया था, वापस आकर गाड़ी यहीं पार्क किया, यही कहा ना, जाते वक्त उसको सब कुछ याद था, वापस आते वक्त वो पिया हुआ था, वो सब कुछ भूल गया, इसलिए कह रहा था लाके यहीं पर रखा था। सर वो बार के पास तो गाड़ी नहीं भूलता, वहाँ से लौटते वक्त गाड़ी को वो कहीं भी रख सकता था, आपको ये डाउट क्यों नहीं आया सर?
मैंने खुद उसे बार से चलते हुए वापस आते हुए देखा, इसलिए मैं खुद बार गया और उसका गाड़ी ले आया। आप सुपर हो सर, अब तोप हो सर, अब क्या क्या हो सर। ठीक है बंद कर, चल यहाँ से। फिर दोनों वहां से चले गए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।